हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में फॉर RGPB यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक RGPB यूनिवर्सिटी से कर रहा है और अभी अभी अपने फिफ्थ सेमेस्टर में गया है बेटा, और जिनका ब्रांच मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल वाले बच्चों को फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ बेटा, मैं आपके फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा बात करूंगा, क्योंकि देखो अभी होता है क्या ना मैकेनिकल वालों की, मैं सच्चाई ये बता रहा हूं। अभी आपने क्या करा, देखो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ा, आप लोगों ने सेकेंड ईयर पढ़ा, फुल और मस्ती करा, जो करना था करा आप लोगों ने, तो ठीक है यार, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हर इंसान मस्ती करता है। लेकिन जो इंसान थर्ड और फोर्थ ईयर पे ध्यान नहीं देता, जो इंसान थर्ड और फोर्थ ईयर पे ध्यान नहीं देता बेटा, उसका कैरियर मानकर चलो कि चौपट ही हो जाता। तो यहां पर थोड़ा सा आपको कैरियर ओरिएंटेड अब बनना पड़ेगा बेटा। बस एग्जाम के टाइम पे पढ़कर पास होने से कोई भी कंपनी आपको जॉब में रखने नहीं वाली। और एक बात आप क्लियर हो जाओ कि मैकेनिकल वालों के लिए फिलहाल अभी उतने जॉब्स नहीं है, तो आप ये मत सोचना बेटा। और जॉब लग भी जाएगा तो 12,000 का जॉब अपन को नहीं करना। मैं खुद एक मैकेनिकल ब्रांच का बंदा हूं एंड आई, मुझे पता है कि कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, क्योंकि जो मैकेनिकल का प्योर बंदा होगा ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो फिलहाल आपको कुछ भी नहीं करना, जो मैं आपको गाइड करता हूं बस आप थोड़ा सा समझना, क्योंकि देखो छोटे भाई हो, बताना मेरा फर्ज है। छोटे भाई ने फर्स्ट और सेकंड ईयर में क्या किया, मैंने कभी पूछने के लिए मैं नहीं आया कि भैया आप हमें बताइए आपने क्या करा। लेकिन अब अगर जो करोगे ना, वो आपके कैरियर में दिखने वाला है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, मैं उनसे ये बोलूंगा कि जो अपने दूसरे मैकेनिकल वाले बच्चे, उनको थोड़ा शेयर कर दें, भले वीडियो में कमेंट, लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब कुछ नहीं थी, बस आप समझ जाओ सिचुएशन को, समझो क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है। सिचुएशन को समझो, सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है बेटा, क्योंकि देखो हर इंसान, आपके आस पड़ोस के लोग, माँ बाप, देखो आस पड़ोस को तो कभी कंसिडर ही नहीं करना चाहिए, लेकिन माँ बाप की एक उम्मीद है कि बच्चा कहीं पढ़ रहा है, देखो भोपाल में पढ़ रहे हो, कोई इंदौर में पढ़ रहा, पैसे लग रहे, रह रहे हो, खा रहे हो, तो उम्मीद में खरा उतरना यार। ऐसा नहीं कि फोर्थ ईयर हो गया हमारा और उसके बाद अरे पापा अभी जॉब नहीं मिल रही अभी, अरे नहीं यार, अभी से प्रिपेयर होते हैं ना, थोड़ा अलार्मिंग सिचुएशन में जाते, अभी 2 साल है हमारे पास, 2 साल में भोड़ते है ना, 2 साल में बहुत कुछ हो जाता है हमारे भैया, ठीक है। चलिए, तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ना, थोड़ा सब्जेक्ट का मैं आपको बता दूं, फिर बताता हूं कैरियर का। चलिए, तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है बेटा, वो है आपका इंटरनल कंबशन इंजन, जिसको हम लोग आईसी इंजन भी बोलते हैं। ये आपका एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जिसे आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, देखो अगर आप समझ के पढ़ोगे ना, तो आपको याद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो आईसी इंजन को मैं ये चाहूंगा बेटा आप समझो, क्योंकि जब आप समझ जाओगे ना, एक घटिया से घटिया बच्चा भी एग्जाम में जाके अच्छे से लिख देगा, क्योंकि वो समझ चुका है। तो जब समझ के पढ़ोगे, आप रट्टाफिकेशन नहीं करना कि रट रहे हैं कि नहीं, आप समझो चीजों को, जिस टॉपिक में आओ समझो। अगर समझ लोगे ना, 10 क्या 20 लाइन लिख दोगे यार, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं कीवर्ड्स लेके पढ़ता था, मैं समझ के पढ़ता था, अपने हिसाब से मैं कॉपी को रेगुलेट करता था कि 32 लिखना है तो 32 पे लिख कर आता था, कभी कभी मेरा मन करता था तो मैं 40 पेज भी लिख कर आता, ये मेरे मन के ऊपर था कि मुझे लिखना कितना है। तो समझ के पढ़ने का फायदा ये होता था, जो टॉपिक्स है उनको यूट्यूब में सर्च करो और समझो थोड़ा सा, है ना। समय बर्बाद करोगे ना बेटा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वीडियो पे आके फिर 2 साल बाद बोलोगे सर नहीं, आप जो समझा रहे थे वो सही समझा रहे थे, ठीक है। बहुत दिल से वीडियो बना रहा हूँ, देखो अभी मैं बता रहा हूँ, 3-4 दिन 5 दिन से मैं बीमार था, अभी उतनी ताकत नहीं है, देखो मैं बहुत तेजी से बोलता हूँ, लेकिन फिलहाल इंटेंशन सही, मैं वर्ड्स भी पता आगे पीछे बोल रहा हूँ, सेमेस्टर को, ईयर को, सेमेस्टर को, लेकिन यार ठीक है ना, कब तक इंसान आराम करेगा, नहीं भैया वर्ड भी लड़खड़ाने तो होता है कभी कभी यार, बहुत दिनों के बाद बीमार पड़े थे, घबरा गए थोड़ा, है ना। चलिए, जो दूसरा सब्जेक्ट है बेटा, वो है आपका मैकेनिकल वाइब्रेशन। देखो ये वाला सब्जेक्ट पहले 7th सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता था, अब ये 5th सेमेस्टर में पढ़ना है बेटा, जिसको भी आप यूट्यूब में सर्च करो, और अगर कोई सीनियर वगैरह या तो कोई आपको पेड बैच भी दे रहा है ना इसका, मैकेनिकल वाइब्रेशन का, तो आप इसका पेड बैच भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें अगर आप पैसे खर्चे करोगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये आपका छुरी के साथ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी है और इसका एप्लीकेशन बहुत जगह पे यूज होता है। ऐसा नहीं कि बस आप वाइब्रेशन पढ़ लोगे तो आपको इसका कोई यूज नहीं होगा, इसका यूजेस आपको हर जगह पढ़ने वाला है बेटा, इसलिए इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, तो पहला सब्जेक्ट आपका छुरी है, दूसरा आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखो 3 सब्जेक्ट है, एक है मेकाट्रॉनिक्स,
डायनेमिक्स ऑफ मशीन और आपका अल्टरनेट ऑटोमोबाइल फ्यूल्स एंड इमिशन। तो यहाँ पे तीन सब्जेक्ट है ना, तीन में से सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर कौन सा एक सब्जेक्ट पढ़ना है हमें, तो हम ये बोलेंगे कि कॉलेज से संपर्क करो, क्योंकि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है। कॉलेज वाले किसी एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे, वो कॉलेज बाय कॉलेज क्या होगा आपका चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि बंसल कॉलेज में जो पढ़ रहा है और इंटर में वही पढ़ेगा, नहीं, ये कॉलेज टू कॉलेज चेंज हो सकता है। कॉलेज वाले को ऑप्शन दिया जाता है कि इन तीनों में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, जिसमें लगभग 90% जितने बच्चे है ना कॉलेज वाले, वो क्या करते हैं ये चूज करते हैं डायनेमिक्स ऑफ मशीन, डोम चूज करते हैं। 90% कॉलेज के जो भी टीचर्स हैं वो आपका डायनेमिक्स ऑफ मशीन चूज करते हैं, जो कि आपका एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो एक बार पहले कॉलेज से कंफर्म हो लेना कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, और इस सब्जेक्ट को भी आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका थ्योरेटिकल है ना। यहाँ पर भी आपको तीन सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना, और वो सब्जेक्ट जो आपका कॉलेज चूज करेगा। तो एक बार कॉलेज से आप कॉन्टेक्ट कर लेना। कुल मिलाकर ऐसा होता है बेटा कि दो आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होंगे और दो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होंगे, ठीक है बेटा। चलिए तो ये तो हमने बात कर ली ना भाई, ये बात तो हमने कर ली, दो न्यूमेरिकल है दो थ्योरी है। अब देखो मैं बता रहा हूं आधे बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, आधे बच्चे क्या करने वाले मैं बताऊंगा आपको। आधे बच्चे अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आधे बच्चे एग्जाम का वेट करेंगे, ठीक है। एक बात समझो आप भी पास हो गए, और एक बात ये समझो कि जो लास्ट में भी पढ़ेगा जैसे तैसे करके पास तो हो जाता। मैकेनिकल वाले सब्जेक्ट में फंसते बच्चे का मैं, पास तो आप हो ही जाओगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखो अलार्मिंग सिचुएशन क्या है, ये बात आप समझना, अलार्मिंग सिचुएशन क्या है इस बात को आप समझो। जब मैंने 2012 में अपनी इंजीनियरिंग स्टार्ट की मैकेनिकल से, तो 15 तक ये अंदाजा तो आ गया था कि यार मैकेनिकल का जमाना थोड़ा सा चला गया। उस समय फिर क्या सिविल का क्रेज था, मैं एज अ टीचर बात कर रहा हूँ कि मैकेनिकल के स्टूडेंट कम हो गए। तो मैंने क्या किया, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, सिविल के सब्जेक्ट्स मैंने कुछ पढ़ाने स्टार्ट किए जहां से मेरा गुजारा हो गया, ठीक है। तो मैं 2013 से पढ़ा रहा हूं, तो 2013 फिर मैंने सिविल की तरफ थोड़ा सा रुक किया, सिविल के सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किए। 2016 में इसका बहुत क्रेज था और मुझे ये पता चल गया था कि 2020 तक सिविल का क्रेज खत्म होने वाला। क्रेज किसका आ गया, कंप्यूटर साइंस का। तो अब मैं कंप्यूटर साइंस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन अब आगे का क्रेज क्या, आगे का क्रेज ये है बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग, ये जो मैकेनिकल का जितना काम है ना बेटा, अब वो कौन करेगा, जो मैकेनिकल का जितना काम है वो अब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। पहले क्या होता था, जब आप एक गाड़ी सर्विस करवाने जाते थे, एक इंसान पूरे गाड़ी को खोलकर ठोक बजा के चेक करता था कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। अब आप जब शोरूम जाओगे ना, गाड़ी में कंप्यूटर लगता है भाई साहब, और वो कंप्यूटर क्या बता देता कि गाड़ी में क्या क्या फॉल्ट है, होता है कि नहीं होता ये बताओ। हाँ, किसके थ्रू, AI ML के थ्रू, कंप्यूटर आ गया ना वहां पे, प्रोग्रामिंग आ गया। पहले इंसान बताता था दिक्कत क्या, अब कंप्यूटर बताता दिक्कत क्या, मतलब इंसान की जरूरत अब नहीं भैया, अब कंप्यूटर की जरूरत है। पहले गाड़ी चलती थी ना, ड्राइवर चलाते थे, अभी जाओ अमेरिका वगैरह में टेस्ला चलती है, वहां पर ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है। पहले बॉक्स पैक होता था ना, इंसान करते थे, अब मैकेनिकल का मशीन बन गया भाई, काम कर रहा। पहले तो देख रेख करने के लिए भी क्या होते थे ना बेटा, इंसानों को रखा जाता था। लेकिन अब क्या है कि एक बात आप सुनो, मैं आपसे सीधा सीधी एक बात बोल रहा हूं बेटा, कि अब जमाना किसका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड मशीन लर्निंग। और मैकेनिकल वालों को एक एडवांटेज है मेरे प्यारे बच्चों, कि मैकेनिकल वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के तरफ जा सकते हैं। अपने दिमाग में ये बात बैठा लो कि सिंपल डिग्री लेने से आपको आगे चल के जॉब नहीं मिलने वाला, ये आप एकदम क्लियर हो जाओ, कहीं पे लिख कर रख लो। तो अब आप देख लो कि आपको किसमें मन करता है। किसी बच्चे को ये बात से मतलब सहमत नहीं हो सकता है कि सर मुझे तो कोडिंग वोडिंग और मशीन लर्निंग में नहीं जाना, मुझे तो डिजाइनिंग में जाना। भैया जहां जाना अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, अपने माइंड सेट को अभी क्लियर कर लो, एकदम मां समझो। जो आप फोर्थ ईयर के बाद करोगे ना, आप अभी अपना माइंड सेट क्लियर कर लो कि आपको करना क्या है। आपको बिजनेस लाइन में जाना, आपको गेट का प्रिपरेशन करना, एकदम एक लाइन चुनना। मेरा एक ही ऑप्शन था शुरू से, वो था टीचिंग। कभी मैंने दूसरे, कोविड भी आया, गरीबी भी देखा, बहुत कुछ झेला, लेकिन कभी दिमाग ने ये नहीं बोला कि भाई टीचिंग के अलावा और करना कुछ नहीं।
टीचिंग मतलब टीचिंग। तो अपने थोड़ा समय लो, अपने माँ बाप से बात करो, बड़े भाई से बात करो, और जो आपका कोर्स है भैया वो तो आप पढ़ो। साथ ही साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लस अब आप कुछ करना स्टार्ट करो। अब आप चाहे AI ML का कोर्स करो, अगर डिजाइनिंग का है तो आप ऑटो कैड का क्लास करो, जो करना है करो, लेकिन अब आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अदरवाइज आप फोर्थ ईयर के बाद जॉबलेस हो जाओगे, वो वाला काम मत करो। किसी को पाइपिंग में इंटरेस्ट है, इंस्पेक्शन में इंटरेस्ट है, सेफ्टी में है, तो आप देख लो अपने हिसाब से। लेकिन मैं बस बोल रहा हूं कि आप कुछ एक्स्ट्रा कोर्स आप करो, सिर्फ कॉलेज के भरोसे मत रहो, आप कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स कर लो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फ्यूचर है, इसलिए मैं इसके बारे में आपसे ज्यादा बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे फ्यूचर दिख रहा है। मैं खुद भी इसका क्लास करूंगा, मैं खुद भी ये सीखूंगा मेरे भाई, मुझे CS पे नहीं रुकना है, मैं खुद भी सीखूंगा ना, बड़ा भाई हूं, आपको बस समझा रहा हूं कि बस अब ना पढ़ने के भरोसे मत रहना कि भैया पेपर तो निकल ही जाएगा। मैंने क्या बोला, एक रात पहले भी पढ़ोगे ना पेपर निकल जाएगा, क्या कर लोगे पेपर निकाल कर। ठीक है, तो अब ऑटो कैड, आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग जो भी है उसकी तरफ आप स्विच करो। ठीक है, कोचिंग देखो, ऑफलाइन देखो, ऑनलाइन देखो, बस आप सर्च करो, यूट्यूब में सब कुछ सर्च करो। अगर आप कोडिंग वगैरह करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन में जाओ। देखो कोचिंग का नाम मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर कोचिंग का नाम बताऊंगा तो बोलेगा सर आपने पैसा खाया आप इस कोचिंग में। किसी कोचिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं बस इतना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे अब पढ़ लें कोर्स के अलावा। कोर्स के अलावा है ना, क्या है फ्यूचर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। जितनी जल्दी समझ जाओगे ना उतना अच्छा रहेगा। मैकेनिकल का हूं ना, स्विच करा मैंने सिविल की तरफ, सिविल वालों को पढ़ाया, CS को, अब आगे की तरफ देख रहा हूं, मैं खुद जाकर सीखूंगा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सीखने में क्या जाता हूँ, पैसे लगेंगे देंगे अपन, इंसान है ना। देखो भाई बदलना तो पड़ेगा, माइंडसेट क्लियर कर लो। किसी बच्चों को डाउट होता है तो कॉल भी कर सकता है मुझे, नहीं अपना माइंडसेट बस अभी बना लो। बस मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ बड़े भाई की तरह कि अब आपको समय आ चुका माइंडसेट बनाने का। बहुत ऐसे बच्चे जो गेट को लेकर माइंडसेट होंगे, लेकिन यार क्लियर रहना कि गेट निकालना है। फिर तुम लोगों का क्लियर नहीं होता, अगर थोड़ा ऐसा मजा नहीं आ रहा चलो गेट कर लेते, थोड़ा सा गेट में थोड़ा टफ लग रहा यार चलो थोड़ा ये मशीन का, नहीं भाई एक लाइन चूज करो बस, ये वही ऑप्शन मत दो। ऑप्शन बी कुछ नहीं होता, ऑप्शन बी कुछ नहीं होता, जो है ऑप्शन ए, जो आपको अच्छे से जिसमें मन लगता है वही काम करो बेटा। बस मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि जिसमें आपका मन लगे आपको। देखो मैकेनिकल वाला बहुत रिलेटेड है AI ML से, तो वो जा सकता है, इसलिए कन्वीनियंट रास्ता अपने आपको स्विच करने में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, किसी को डिजाइनिंग में जाना ऑटो कैड करो, किसी को गेट में जाना तो भैया गेट की प्रिपरेशन करो, लेकिन अपने मन का करना। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो पे आपको एक जानकारी दे रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप AML का कोर्स करो, मैं बस बोल रहा हूँ कि अब ये कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं। एक दिन पहले ही पढ़ोगे पास, दो दिन पहले ही पढ़ोगे पास, अरे ज्यादा ज्यादा एक आध में बैक लगेगा यार, समझ जाओ। समझाने जो आया था सिलेबस तो एक बहाना था, ये है सिलेबस, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये IC इंजन का, ठीक है, ये वाइब्रेशन का, ये आपका मैकेट्रॉनिक्स का, ये डायनेमिक्स ऑफ मशीन का, यही होता है ज्यादातर कॉलेज में। ठीक है, ऑटोमोबाइल फ्यूल्स है ना, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है, और ये आपका TQM और भी है ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्लाइड। इसमें क्या 15 स्लाइड ही रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं होता कुछ, 16, ठीक है देख लो 16 में ये, ठीक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 16 के बाद 17 ये आपका 17, ठीक है बेटा, चलिए 17 के बाद ये आपका, ये आखिरी सब्जेक्ट है ना, एक 18 ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो सिलेबस बस एक बहाना था, बस मैं आपको ये गाइड करने आया था बेटा कि अब आप कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट कर दो, जो आपको अच्छा लगे उसी में आप जाना। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ AML नहीं, ऐसा नहीं बेटा, आपको जो मन करे, आपको गेट का मन है आप गेट के लिए लग बोला, अब आप लग जाओ जिस काम को आपको पूरा करना है ना बेटा, अब आप बस क्या करो उसमें लग जाओ। मैं और कुछ नहीं बोल रहा आपसे, क्योंकि मैकेनिकल वाले हो ना कुछ भी कर सकते हो, अगर प्योर मैकेनिकल वाला होगा वो कुछ भी कर सकता है, वो CS वाले को कोडिंग भी पढ़ा सकता है, मैं हूं ना पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। तो भैया घबराना नहीं है, जो अपने बस कैरियर पर ध्यान देना शुरू कर दो। अब यही बोल रहे हो, होता क्या है फोर्थ ईयर पर पास आउट करके फीस हो जाएगा, कुछ नहीं है, अभी से मेहनत करो ना, एक लाइन सेलेक्ट करो, 2 साल अगर अपने आप में आप मेहनत करोगे तो आप मान के चलो अच्छे जॉब में भी चले जाओगे बेटा, आपको उतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। और अगर अभी थर्ड और फोर्थ ईयर मस्ती मार लोगे ना, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा नहीं जो आपको फंसा ले, आपको ही पता है आराम से आप निकाल लोगे,
सब्जेक्ट ऐसा नहीं जो आपको फंसा ले भैया, तो आप नहीं फंसना, सब्जेक्ट से तो निकल जाएंगे अपन, अपने कैरियर में क्या करेंगे, ठीक है। तो बड़े भाई की तरह बोला, ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज को प्रमोट कर रहा हूं, बस आप अपने मन का करो। एक ही बात मैंने कितनी बार बोल दिया ना, क्योंकि ये बात जरूरी है। आई बात समझो, ऐसा फील हुआ कि नहीं बच्चे को बताना है, सिलेबस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को थोड़ा मैकेनिकल वालों को शेयर कर देना, है ना। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।